इकबाल नाम मेरा। हजूर, ये नमाजें जमा करने के बारे में आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल में जायज नहीं है बगैर किसी अशद मजबूरी के, किसी अशद मजबूरी के बगैर जायज नहीं है। अशद मजबूरी में कौन कौन सी शामिल करते हैं आप? मसलन किसी ने किसी लंबे समय पर जाना हो, या बीमारी हो, या बाहर मौसम हालात इस किस्म के हो कि नाम नमाज पढ़ी जा सके दोबारा। इसकी सनद कहाँ से ली आपने? आपके हुक्म से तो नहीं दीन बनेगा जी। कहाँ से सनद ली है इसकी आपने? इस किताबों से। कौन सी किताब? दीनी जरूरत के लिए, दीनी मजालिस के लिए नमाज जमा करना जायज है कि नहीं? जी हाँ। हैं? जी हाँ। जायज है? जी हाँ। तो फिर किस हिस्से पर आपको इतराज है? बात जगह ये देखा गया है कि लोग मगरिब का अगर सेंटर नमाज का बना हुआ है तो वहाँ अक्सर लोग जो है जमा करते हैं, अगर वहाँ जमा करने में लोग इतराज करते हैं। लोग कहना दुरुस्त नहीं है, आप मुमकिन है बाल लोगों को जानते हो जी। अगर कोई ऐसा शख्स हो जो बगैर उन जायज जरूरियात के जिनके मुतल्लिक हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत दी है, नमाजें जमा करने का आदी है, तो उसको उससे परहेज करना चाहिए। अपनी नमाजों को वो नुकसान पहुँचाता है, ये कहना चाहते हैं ना जी? यही मतलब मुझे इत्तेफाक इस बात से। जज़ाकअल्लाह।